हेलो दोस्तों, तो इस पॉइंट से शुरू हो जाती है अपनी ट्रैकिंग। बीच बीच में सभी उत्साही यात्रियों ने वीडियो भी बनाई है और कमेंट्री भी की है। एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे। एक फाइंडिंग है, अभी अभी मैंने ट्रैक में देखी, बहुत सारी, मतलब जो फाइंडिंग है वो बहुत सारी है। वो ये है कि यहाँ गधे का गू बहुत है। इंग्लिश में बोलता हॉर्स शिट, लेकिन हॉर्स तो है नहीं, लिटर लिटर नहीं है क्योंकि खच्चर है ये। लिटर कर रखा है, लिटर लिकर, हेल्दी लिटर। अबे लिटर लिकर, ये इनटू लिकर है थ्रू आउट द जर्नी। बट यार यहाँ का ट्रैक बड़ा जबरदस्त है, पूरा एकदम, कोई बैरिकेडिंग नहीं है कहीं पे भी, कोई सपोर्ट नहीं है ना, इससे आपको पता लग सकता है। ये देख एज भी है पूरा, ढलान देख, ढलान बहुत ही ज्यादा, मतलब पीछे भी मुड़ के एक बार देख लेना हल्का सा, 100 डिग्री एंगल, बहुत बढ़िया, अच्छा ट्रैक है। हाँ ये मतलब उतना डेवलप नहीं है, पर ये फिर भी मतलब रुद्रनाथ जी से अच्छा बना हुआ है। रुद्रनाथ जी में तो मतलब बहुत बुरी हालत थी जब हम गए थे, अब आज की हालत आज तक बताएंगे। अभी के मैं अगर कहूँ तो ये एक बेस्ट हालात में ट्रैक है, और अभी तो बहुत ही फीजेबल है, चलने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई मुश्किलें नहीं आ रही है, आसान ट्रैक है अभी तक तो। बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत तो पहाड़ पे आए इतना पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वही एज यूजल आकाश लीड करते हुए, आकाश दुनिया में सबसे आगे चलते हुए, ये हमारा भाई, इसको अलग ही आत्मा आ जाती है इसके अंदर ट्रैक करते हुए। तो आपका ज़्यादा आगे नहीं भागना है, हम लोगों भी देते हैं चलना, बट इस बार ये है ना रास्ते में सही लग रहा है, ये आगे जाके कह रहे हैं कि चढ़ाई अच्छी खासी है, 50-60 डिग्री चढ़ाई, ओहो हाँ आगे जाके 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई अच्छी है, अभी बीच में जंगल है अच्छा खासा। लेट्स सी, हालांकि रास्ता दम ले रखी है, झरनों जंगल और गांवों से गुजरता हुआ ये खूबसूरत रास्ता लगभग 18 किलोमीटर का है। मेरे पीछे जो फॉल देख रहे हैं, नहीं पता क्या नाम है, लेकिन मन कर रहा यही नाम पर छोटा जाना आगे रहते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो ये है कि यहाँ की यादें अपने अंदर बसा के ले जाओ, बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत सुंदर, बस मैं जो जरूर आती है इतना अच्छा हॉल हमने मेरे ख्याल से केदारनाथ की तरफ भी नहीं है। हाँ कितनी खूबसूरत ये जगह, रास्ते में आपको दिखेगी मदमहेश्वर गंगा, मोरखंडा नदी जो कि चौखंबा से निकलती है, और मदमहेश्वरी नदी जो नंदी कुंड से निकलती है। मन मोह देने वाला दृश्य और थेरेपी जैसी नदी, झरनों और जंगल की आवाजें, सब ही कुछ आपके अंदर के तमस को सोख लेने को आते हैं। आपको बस धीमे कदमों से चलना है बाबा की ओर। अब
मन में सवाल होगा, हम कर पाएंगे चढ़ाई? तो लीजिए समझ लीजिए, रांची से गोंधार तक का सफर 6 किलोमीटर का है और चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, आपको उतरना है। गोंधार से नानी तक आपको 7 किलोमीटर के लिए चलना है, हल्की फुल्की चढ़ाई है, बीच बीच में नॉर्मल सीधा आपको रास्ता भी मिलेगा। नानू से जो मध्य महेश्वर मंदिर तक की चढ़ाई है वो 5 किलोमीटर की है और ये थोड़ी मुश्किल चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। यहाँ थोड़ा सा जो आपकी पहले की प्रैक्टिस है ना वो काम आई। एक दो बार मैंने सोचा भी था कि जब स्टार्ट करेंगे ना ट्रैक करेंगे बातें, मन नहीं कर रहा। तो रांची के बाद हॉल्ट आपको मिलेगा गोंधार गांव में। अच्छी खासी आबादी वाले इस गांव में रहने खाने की उचित व्यवस्था है। अगर आप टाइम लेकर चल रहे हैं तो यहां होम स्टे में रुक सकते हैं। तकरीबन 500 रुपए में एक आदमी का खाना और रहना हो सकता है। थके हुए हमारे शरीरों ने यहां चाय की खुराक मांगी और फिर हम चल दिए आगे की तरफ। रास्ता यहां से 12 किलोमीटर का है। अगला स्टॉप बंतोली, फिर खतरा खाल, फिर नानू, मैखम्बा चट्टी, क्रूम चट्टी और उसके बाद मंजूना गांव में है मध्य महेश्वर जी का मंदिर। ज्यादा बारिश होती है और डर लगता है स्कूल से, लेकिन बहुत ही मजेदार। एक बार आ जाओ, 20 मीटर आगे आपका इंडिया के लिए। अगर आपको जगह जगह रुकते जाना, आराम करते जाना, तो आप जगह जगह रुको, वरना एक 4 से 5 किलोमीटर की स्ट्रेच के बाद ठीक है। हमने कॉर्नर में चाय पी और हम अभी आगे निकले, हम आगे। तो काफ़ी मज़ेदार आपको भरत दिखाता हूँ जहाँ, यह भरत जोशी। भरत जोशी, आपकी पहली ट्रिप है हमारे साथ, कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत बढ़िया ट्रैक है, बहुत मज़ेदार। आज सुबह 6:30 बजे शुरू किया हमने, है ना? हाँ। 6:30 और अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, हमने हाँ से ज़्यादा कर लिया ड्रॉ। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्रीनरी और इतना अच्छा एम्बियंस, बहुत ज़्यादा। मतलब इस समय तो जंगल कट रहे गए और बहुत ये है वो जंगल वाला रास्ता, इसके बारे में आपको बताते रहते हैं लोग। यहाँ से थोड़ी स्टीप चढ़ाई है और अच्छा घना जंगल है चारों तरफ। थोड़ी मेहनत लग रही है यहाँ पे चलने में, बाकी ठंड भी है, हवा ठंडी है और धूप भी अच्छी खासी होती है पहाड़ों में। पर यही है कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहो, कुछ कुछ खाते रहो, पानी की आवाज़ सुनो, झीमरों की आवाज़ सुनो और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर चलते रहो। कुछ लोग दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं। पीछे जंगल देखो कितना घना है। और ये नीचे आ रही है मधुगंगा, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और दिख भी रही होगी। मजे कर रहे हैं, मधुमेश्वर जी की जय, हर हर महादेव। गुप्त अंधेरा होने वाला है आधे घंटे में, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो इस अंधेरे में ही चढ़ना पड़ेगा बाबा। तो रुकते रुकाते बीच बीच में चाय और मैगी खाते हुए धीरे धीरे हम भी पहुंच गए मध्य महेश्वर जी के मंदिर में। यहाँ पर सारी व्यवस्था यहीं के गांव के लोग देखते हैं,
इन्होंने आपस में एक सिस्टम बना रखा है, सिस्टम के हिसाब से किसके घर आज बारी है, कितने लोग वहां रुक सकते हैं, ये तय होता है। पहले उसके घर रुकते हैं लोग, उसके बाद आगे दूसरे घर में जगह दी जाती है। खाने का भी इसी तरह से हिसाब किताब है, जरूरी नहीं है कि खाना आपको उसी घर में मिले जहां आप रुके हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे पैसे कितने लगेंगे, लगभग 500 रुपए में एक आदमी के रुकने और खाने का बंदोबस्त हो सकता है। ये पहुंच गए हम मध्यमहेश्वर जी के द्वार। तो भैया हम भी यहाँ रुके, कपड़े पूरे लेके जाइएगा, हमने चाय पी पहले पहुंचते ही और उसके बाद ये बाबा के दर्शन, आरती हो रही थी जिस वक्त हम पहुंचे, तो हम काफी देर तक वहीं खड़े होकर और दर्शन करते रहे। उसके बाद हमने खाना खाया और निकल लिए कमरे की तरफ। ये 50 मिनट चल गया आ रही है। ये है आज की व्यवस्था। गोलू हैंड्स अप, कैसा लग रहा है? बढ़िया भैया, बहुत मजा आया मुझे जर्नी में। अच्छा लगता है, मेहनत ये उसकी इन दोनों की है, आकाश एंड रोहित। और तुम बेटा, तुम कौन हो? ये दिख भी नहीं बिल्कुल। भरत पतली, कौन हो तुम? भरत, माय नेम इज भरत जी, विटामिन पे है। क्या, व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव? हार्ट ब्रेक? नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा। फिर मुझे लग रहा है आज बॉडी ब्रेक भी होगी। तो बॉडी ब्रेक होगी बेटा, कॉम्बो फ्लेम खा लो, बात मान लो मेरी। ये होएगा फिर कॉम्बो फ्लेम की महिमा के लिए हम दो सबसे पहले बात करेंगे कंडवाल पंडित जी से। हाँ जी कंडवाल जी, कॉम्बो फ्लेम की महिमा के बारे में क्या बोलने जाते हैं? 100 किलो से ऊपर का था और बिल्कुल मैं भी चढ़ा मैं। हाँ और भी मैंने करे तो तब आत्मा के अलावा बाकी सब कुछ इंजर्ड था। मैं फिर रात को भैया बहुत अच्छे आदमी है, मुझे बताया, दवाई दी, महिमा बताई, उन्होंने कहा कि कथा के साथ कि ये वही दवाई है जड़ी संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेने गए थे। हाँ राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए। अरे राम जी ने बोला ना लाने के लिए यार, भैया कितनी देर में। हाँ फिर सुबह क्या साबित हुआ? मैंने उसको खाया। हाँ और सुबह फिर नया हो गया मैं शरीर के साथ। और तब से आप ये हर बार इस्तेमाल करते हैं? मैं ये सबसे पहले फॉलो करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं आकाश, आपकी कब मुलाकात हुई थी कॉम्बो फ्लेम से? जब से मैं आपसे अभी ट्रैक कर रहा हूँ। मतलब पहली बार आप भी तुंगनाथ जी में आपने भी आजमाई थी? यस, तुंगनाथ में, उसके बाद मैं अभी केदारनाथ गया था, उधर ही मैंने आजमाई थी, मैंने इधर गया। मतलब आपने अपने मित्र को भी बताई? मैंने मित्र को भी बताई। वो क्या कह रहा था फिर सुबह उठ के? मत सुनो क्या हुआ? नहीं सूखता रहा पूरी रात। वो तो ठीक है लेकिन पैर में दर्द तो नहीं हुआ ना? उसको हैवी डोज चाहिए थी। ओहो, तो दारू बाजू के लिए नहीं है ने? हाँ भाई रोहित, तुम कहाँ चले गए गुफा के अंदर? ए रोहित जी भैया, नानी का पान लगवा रहे हो? कॉम्बी फ्लेम के बारे में कुछ कहो। अरे भैया क्या बात कर दी, कॉम्बी फ्लेम एक ऐसी दवा है जो दवा नहीं संजीवनी, निर्जीव शरीर को ना पुनर्जीवित कर देती है। सीरियसली और साथ में जो खाना हमने खाया दवा के देसी वाला, ये दोनों चीज जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा ना इनका, तो जितना भी शरीर टूटा है ये कल ठीक हो जाएगा, होपफुली नया हो जाएगा। हाँ अभी तक तो होता है। हाँ आज भी देखते क्या होता है। हाँ भरत, क्या तुम पे इस इनमें से किसी कथा को असर पड़ा? नहीं लग रहा है मुझे। नहीं लग रहा है तो ले लो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भरत, नहीं तो सुबह सबसे अंत में तुम हो गए। भरत ले लो, नहीं मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। निकाल के रखी हुई थी। ओए नहीं तो मेरी वाली मुझे भी चाहिए होगी। और जहाँ तक बात है वो ये है कि देखिए ये 250 रुपए पर हेड हमें व्यवस्था मिली है मध्यमहेश्वर में, बड़े ही एफर्ट्स के बाद। और सभी 8:30 बज रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहा है ये रोहित भी, सोने नहीं देंगे सभी। रोहित पानी दे, सभी लोग ये लाइन से। गोली ने पहले ही अपनी प्रीमियम प्लेस पकड़ लेता है आके। मतलब नहीं है ऐसे नहीं, आकाश इतना करके आगे उसको दोनों साइड। हाँ आकाश बता दे, कमर दबाओ, हाथ दबाओ, मैं मोटा था ना, मैं नानी पकड़ दोनों मुंह जाते सबके साथ। नाराज क्यों हो रहे हो तुम भरत पर? अरे ये महसूस ही नहीं कर पा रहा। ये तो लाश हो गई। अरे नहीं पानी, अब क्या हो गया? रोहित मुझे भी दे रहा है फिर पानी पीने के लिए। कोई नहीं खाएगा ये कह कर कि पकड़ लो फिर हमसे। रोहित जी
काफी दुख हुआ मुझे सुनकर। पर भैया ऑल इन वन इतनी मेहनत करने के बाद ना जो दर्शन हो जबरदस्त हो। हाँ दिल खुश हो गया और सुबह भी होंगे सुकून मिल रखा है मतलब और सुबह भी ऑल द एफर्ट्स पेड ऑफ। हाँ ओवरऑल यही है ठीक है। इतनी मेहनत और इतना तब किया हम लोगों ने। आपकी कमर में दर्द हो रहा था और मैं तो कैसे पैर में चोट लगी और पैर में भी दर्द होने लग गया। हाँ तो भटकते रहे मटकते रहे लेकिन पहुंच गए। कोशिश करके पहुंच ही गए। आकाश की मदद से पहुंचाऊंगा मैं आज तो। हाँ बट आकाश ने मेरा बैग अच्छा श्रेय जाता है लिया था। यस आकाश को वो लेके आए ये श्रेय ले जाता है वो मैं समझ गया उसकी बात। ये मेरे को लाए। हाँ तो मुझे लगता है आकाश के डायरेक्ट अप्रोच यही कहना चाहता है वो। क्या बोलूं मार बोल मत जल्दी सोते हैं क्योंकि कल सुबह मौसम खराब होने की आशंका है और हमें नीचे उतरकर रांची से घर की तरफ भी जाना है। आगे का हाल कल दिखाएंगे। इंतजार कीजिए कल तक। जय केदार जय जय बद्री विशाल।